बात सिर्फ ये नहीं है कि फैसले का दिन हो, बल्कि इससे असर बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं। पहाड़ों में ठंड के बीच सियासी गर्माहट बढ़ रही है और अब मंथनों का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, अहम खबर, उपचुनाव को लेकर हिमाचल में चारों खाने चित हो सकती है बीजेपी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। मंडी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वा सिंह की जीत पक्की। पिछले चुनाव में हारी थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में अब जीत पक्की। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के रोहित ठाकुर जीत चुके हैं, तो वहीं फतेहपुर और अड़की से भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं। एक बड़ी और एक अहम खबर, हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने की तरफ है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे लेते हैं। अरुण, जिस तरह का रिजल्ट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, ये क्या संदेश देता है हिमाचल की जनता को और हिमाचल की सियासत को? देखिए नासिर, हिमाचल प्रदेश के इन उपचुनावों को अगर एक छोटे से अंकगणित में आप देखेंगे तो सरकार के प्रति नाराजगी, आप ये नहीं कह सकते कि ये जीत जो है ये हिमाचल में कांग्रेस की हुई है या कांग्रेस के नेताओं की मेहनत की हुई है। ये जीत जनता की हुई है जिसने नाराजगी में अपना वोट डाला और चारों सीटों के ऊपर, अभी जुब्बल कोटखाई का ऑफिशियल रिजल्ट आया है लेकिन प्रतिभा सिंह लगभग लगभग जीत से बिल्कुल करीब हैं। और जश्न मनाते अर्की, फतेहपुर, मंडी, जुब्बल कोटखाई की पहले ही नाटी की आप तस्वीर देख चुके हैं। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उमड़ आए हैं। मंडी के भीतर मैं यहाँ पर हूँ तो वहां सड़कों के अंदर सैलाब मैं इसका देख सकता हूँ। लेकिन इस जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो जनता है जिसने अपने आक्रोश को दिखाते हुए, जन आक्रोश को दिखाते हुए अपना जनादेश दिया है। अरुण, और ये किस तरह का आक्रोश, जनता की नाराजगी क्या है, जनता में गुस्सा क्यों जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी नाराजगी? देखिए नासिर, सबसे बड़ी चीज थी कि सरकार लगातार एक बात कह रही थी कि कोरोना के संकट काल में उसने बेहतरीन काम और सरकार को जनता की उम्मीदों के अनुरूप ढालने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा काम किया है उसने जनता को बचाने का, टीकाकरण वो लगातार बात कर रही थी। वो कह रही थी कि कोरोना के संकट को थाम कर रखना और इसको बहुत ज्यादा असरदार नहीं बनने देने का काम उन्होंने किया। ठीक है, उसके भीतर भी वो उन्होंने कई विधानसभाओं के अंदर दौरे करने के बाद वहां विकास की धाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक, लेकिन जनता ने इसे नहीं माना नासिर। देखिए जनता का जनादेश आज का बिल्कुल साफ कह रहा है कि वो जो महंगाई थी कोरोना के संकट काल में सरकार की फिजूल खर्ची दिखाई दे रही थी, ये जनता को कहीं ना कहीं चुपती रही। और इस बात का जो आपने जिक्र किया है, शुक्रिया आपका, कि महंगाई, अगर इस बात को कि शायद ये है असर महंगाई का है, कोरोना काल में चाहे कुछ काम हुए नहीं हुए उसका भी एक असर है, और साथ में जनता का जो फैसला है वो बहुत कुछ दर्शाता है। प्रतिभा सिंह क्या कुछ कह रही थी, उनका एक बयान सामने आया है। मंडी लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की बात सुनते हैं, वो क्या कह रही है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहाँ पहुँच नहीं पाए वहाँ पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुँचे वो पहुँची है, और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र, मुझे लगता है सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। पूर्व कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो लोग उन कामों को भी देखते थे, और हम जब फील्ड में गए तो हमने वही बात जनता के दरबार में रखी कि कांग्रेस ने काम किया है और वही विकास, वही बातों को लेकर हम आपके सामने आए। अब हम चाहते हैं कि उन कार्यों को